जी रया जाग रया यो दिन भेटने रया, दुबक जस जड़ है जो, पाद जस पौल है जो, हरेला त्योहार मनाते रया। उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं और पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखते हैं। इन्हीं खास पर्वों में शामिल है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। हरेला शब्द का अर्थ है हरियाली। यह पर्व वर्ष में तीन बार आता है, पहला चैत्र मास में, दूसरा श्रावण मास में और आखिरी अश्विन मास में मनाया जाता है। हरेला घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए बोया और काटा जाता है। हरेला अच्छी फसल का सूचक है। हरेला इस कामना से बोया जाता है कि साल फसलों को कोई नुकसान ना हो। यह भी मान्यता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि में उतना ही फायदा होगा। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्रामीण देवता मंदिर में भी मनाया जाता है। मंदिर में हरेला बोया जाता है और सभी लोगों द्वारा इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक पसंद है, इसलिए यह त्योहार भी भगवान शिव परिवार को समर्पित है। और उत्तराखंड की भूमि को तो शिव भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान यही देवभूमि कैलाश में ही है। इसलिए श्रावण मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। शिव माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाया सवारा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे कहते हैं। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से की जाती है। सबसे पहले भगवान को हरेला चढ़ाया जाता है, उसके बाद बड़े बुजुर्गों द्वारा अपने बेटे नाती पोतों को हरेला लगाया जाता है और उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। पहाड़ों में त्योहारों का आगाज करने वाले इस पर्व पर पकवान भी बनाए जाते हैं। रिश्तेदारों को हरेला डाक से भेजने की परंपरा है। हरेला पर्व ऐसा पर्व है जिसका इंतजार उत्तराखंडवासी पूरा साल भर करते हैं। K24 न्यूज आपको और आपके समस्त परिजनों को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और ईश्वर से ये कामना करता है कि हमारे उत्तराखंड और संपूर्ण देश में यूं ही हरियाली बनी रहे। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।